कल रिहा होने वाले हो, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल की कि तुम्हारी सजा कम नहीं की जाए, क्यों? सर मैं तैयार नहीं हूँ बाहर के लिए। वो लगभग 18 दिनों का और इंतजार है। बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सुपरस्टार अजय देवगन, जो कि अपनी धमाकेदार एक्टिंग, अपनी कॉमेडी और अपने एक्शन के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं, इनकी एक और दमदार फिल्म औरों में कहां जमता बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को तैयार हो जाएगी। और ये फिल्म भी इनकी बाकी फिल्मों की तरह आते ही सभी का दिल जीतते हुए कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी और बॉक्स ऑफिस पर बनेगी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां धमता के हाइप के बारे में। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली, जिसको कि डायरेक्टर नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनाया गया, जो कि बॉलीवुड को पहले स्पेशल 26 और बेबी जैसे बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं। अगर बात करें फिल्म के हाइप के बारे में, तो रिलीज के लगभग 18 दिन पहले फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पर काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। जी हां, फिल्म को बुकमाइशो पे लगभग 20,100 इंटरेस्ट मिल चुके हैं। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर ये फिल्म पोस्टपोन नहीं होती तो फिल्म का हाइप पहले काफी अच्छा खासा देखा जा रहा था, लेकिन फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह से फिल्म के हाइप में काफी गिरावट देखी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म का ट्रेलर को अभी तक लगभग 57 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया है और फिल्म के लगभग 3 गाने आउट हो चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म लगभग 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग अपने पहले दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से ले सकती है और बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। तो अगर आप सभी ने इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया तो आप सभी को यह ट्रेलर कैसा लगा और आप सभी को क्या लगता है यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।